नेशनल इंडिया न्यूज के संवाददाता पहुंचे गाजियाबाद के कौशाम्बी, जहां डॉक्टर डेंटिस्ट नेहा दीक्षित से बात की और जाना चाहा क्या क्या इलाज यहां पर किया जाता है और कोरोना काल में कस्टमर को क्या क्या फैसिलिटी यहां पर दी जा रही है। नेहा दीक्षित ने बताया, दांतों की हर तरह के इलाज के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गौरव ठाकुर नेशनल इंडिया न्यूज से। नेशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं कौशाम्बी से डॉक्टर नेहा दीक्षित। डॉक्टर नेहा दीक्षित डेंटल क्लिनिक से। डॉक्टर नेहा, हम आपका नेशनल इंडिया न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर नेहा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप तो काफी सीनियर ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, तो आप थोड़ा सा सबसे पहले हमको ये बताइए कि डॉक्टर नेहा दीक्षित, आपका जो डेंटल क्लिनिक है काफी कौशाम्बी में फेमस है, थोड़ा सा आपकी क्लिनिक के बारे में बताइए और क्या सर्विसेज आप अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में व्यूअर्स को बताइए। Being an orthodontist, I do practice ortho. जैसे हम लोग दांतों पे तारे लगाते हैं और आजकल जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो अगर हम तारे जो नहीं लगाना चाहते हम लोग अलाइनर्स लगाते हैं, इनविजिबल ब्रेसेस होते हैं जिसमें आपको रेगुलर विजिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपको हम शीट्स देते हैं, जो प्लेट्स बना के देते हैं वो आप खुद ही चेंज कर सकते हैं। एंड व्हेनेवर यू हैव अ डिफिकल्टी द फुल सर्विस इज प्रोवाइडेड। मोरओवर हमारे यहाँ पर रूट केनाल ट्रीटमेंट, फिलिंग्स, स्केलिंग जैसे क्लीनिंग, दांतों की ब्लीचिंग और सभी प्रकार के दांतों के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अभी मैडम, जैसे कोविड आया, अभी थर्ड लेयर ओमिक्रॉन हैज आल्सो कम, तो अभी कोविड के बाद कैसा अभी मार्केट है डेंटल का मैडम और किस तरह के कस्टमर्स ज्यादा आ रहे हैं? ज्यादातर हमारे पास रूट केनाल के ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा लोग आ रहे हैं बिकॉज एस्थेटिक ट्रीटमेंट के लिए इतना अभी लोग जाना नहीं चाहते कोविड की वजह से। लेकिन जब पेन है, सिवियर पेन हो रहा है तो रूट केनाल करना पड़ता है, तो वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो वो तो कभी नहीं रुका। लेकिन हाँ, क्लीनिंग हुआ और ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट में अलाइनर्स की तरफ लोग ज्यादा शिफ्ट हुए हैं अभी। दैट इज द आई थिंक वो एस्थेटिक रीजन सिर्फ एक ही है। और लोगों को जो अगर पेन होता है तो रूट केनाल हम लोग इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जब जैसे जैसे उनको पेन कम हुआ तो वो अपना फिर ट्रीटमेंट कंप्लीट करा रहे हैं। मैम, जो रूट केनाल ट्रीटमेंट आप देती हैं अपने कस्टमर्स को, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आउटलाइन करेंगे व्यूअर्स के लिए? रूट केनाल दो तरह के हैं। अगर हम सिंगल सिटिंग रूट केनाल भी करते हैं और अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो 3 से 4 सिटिंग्स लगती हैं रूट केनाल को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, उसमें फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में अगर जरूरत है इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद जब दांत बच जाता है तो हम लोग कैपिंग करते हैं। ओके 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 मैम, ठीक है। अभी जो है कोविड के बाद काफी सैनिटाइजेशन और ये सब को लेकर के डिफरेंट डेंटल क्लिनिक्स और हेल्थ सेंटर्स में काफी आजकल चल रहा है, तो इसमें क्या आप कदम आपने उठाए हैं सैनिटाइजेशन को लेके? जैसे कि हम लोग पहले जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट अगर पेशेंट की आते तो हम उनको चेकअप करके पेशेंट को अकेले में बाद में नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट दिया जाता है जब नेक्स्ट पेशेंट एटलीस्ट 10 to 15। कुछ डेंटल टिप्स भी दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मैं जैसे कि कोविड के टाइम पे बहुत देखा गया है कि लोग आराम से घर बैठे हैं तो दे आर जस्ट मंचिंग एंड नॉट ब्रशिंग प्रॉपरली। तो इन चीज़ों को लेकर मैं यही कहती हूँ पेशेंट को कि आप दिन में 2 बार जरूर ब्रश करें, जैसे सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, और कोशिश करें कि गुनगुने पानी में नमक डाल के दिन में 1 से 2 बार खुल्ला जरूर करें। वो आपका बेस्ट माउथ वॉश है, ये सबसे बढ़िया घरेलू नुस्खा है, इसलिए आप डेंटल विजिट्स को भी आप बच सकते हैं। तीसरी चीज है अपना हर 5 से 6 महीने में रेगुलर डेंटल को विजिट करके डेंटल क्लिनिक में दिखाएं डॉक्टर को जाके, अगर जरूरत है तो हाथों हाथ फिलिंग हो जाती है, इट हार्डली टेक्स फ्यू मिनट, लेकिन अगर आप उसको बढ़ा देते हैं तो रूट केनाल तक नौबत आ जाती है, जो कि आजकल कोविड के टाइम पे बहुत देखने को मिली क्योंकि लोग रेगुलर विजिट नहीं कर रहे थे डेंटल क्लिनिक, तो जब पेन बहुत सिवियर हो गया तो हमें मजबूरन रूट केनाल या फिर एक्सट्रैक्शन भी करना पड़ा। जैसे कि लेमन लैंग्वेज को लेजर फिलिंग भी कहते हैं, तो एक तो वो है वो काफी एस्थेटिक होती है, वो देखने में भी बिल्कुल शेड, उसमें कई तरह के शेड्स आते हैं, तो जो जो पेशेंट का शेड होता है जिस दांत का वैसे शेड मैचिंग से लगाया जाता है। दूसरा ग्लास एनोमर सीमेंट फिलिंग होता है, सिल्वर फिलिंग भी होता है, और जहां तक दांत को रिप्लेस करने का है पहले हम लोग ब्रिजिंग भी करते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इम्प्लांट है क्योंकि ब्रिजिंग में हम लोग देखें जो 3 दांतों को एज अ पिलर की तरह यूज किया जाता है रिप्लेस करने के लिए, वो उनको भी हमें ग्राइंड करना पड़ता है, लेकिन इम्प्लांट्स में जहां दांत मिसिंग है वहीं पर डायरेक्ट टूथ लग जाता है, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन।
डॉक्टर एक चीज जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कोविड के बाद कस्टमर जो आपके जो पेशेंट्स हैं वो आपके पास वैसे ही आप आ रहे हैं या आपका जो क्लिनिक है ऑन अपॉइंटमेंट से अभी ऑपरेट कर रहा है? ऑन अपॉइंटमेंट ही देते हैं। अगर फर्स्ट विजिट इमरजेंसी है तो हम लोग पेशेंट को पहले चेकअप करते हैं तो फिर उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर सकें और पेशेंट्स को भी हम लोग उनके प्रॉपर 15 टू 20 मिनट्स हर पेशेंट को मिल सके, उसके बाद सैनिटाइजेशन करके हमें 15 टू 20 मिनट्स मिल सके। ओके डॉक्टर, यहाँ कुछ आपकी क्लिनिक का फिर जो हेल्थ सेंटर है ये इसमें कुछ जैसे कि ऑनलाइन भी कुछ आप सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं क्या अपने पेशेंट्स को? ऑनलाइन डेंटल में तो पॉसिबल नहीं है, वो जस्ट पेशेंट अगर जब हमें कॉल करता है तो हम सिर्फ मेडिसिन की मेडिकल कंडीशन पूछ के हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ज्यादा डेंटल ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल करा सकते हैं उनको, तो फिर अपॉइंटमेंट लेके हमारे क्लिनिक पे विजिट करना ही पड़ता है। ओके, एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट बनने के लिए करती है क्या आप प्रीरिक्विजिट है किन एरियाज पे स्टूडेंट्स को फोकस अगर आप करते हैं तो आपकी फुल डिवोशन होनी चाहिए। अगर आप डिवोटेड हैं और अपना पेशेंट को जो दांत है उसका अपना दांत मान के बेस्ट ट्रीटमेंट सोचें, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सोचें, कुछ हेस्ट में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर पेशेंट का दांत बचाना चाहते हैं या उसको निकलवाना चाहते हैं लेकिन पेशेंट को सही तरह से गाइड करें, बहुत बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनको क्या चाहिए, वो सुना सुनाया बात करते हैं कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, पहले पेशेंट को अच्छे से गाइड करें, पेशेंट को समझाएं और अपना जो बेस्ट दे सकते हैं उस पर्टिकुलर दांत को बेस्ट देने की कोशिश करें। डॉक्टर नेहा थोड़ा सा आपके क्लिनिक और हेल्थ सेंटर के फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ आउटलाइन करें व्यूअर्स को। हाँ, जैसे कि मेरा डेंटल क्लिनिक है तो वी आर एक्सपेंडिंग नाउ, हमारे साथ डॉक्टर संजीव दीक्षित जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो भी मर्ज करते हैं और एक पेडियाट्रिशियन भी हमारे साथ है, तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपने क्लिनिक को पॉलीक्लिनिक की तरह एक्सपेंड करते हैं। आजकल काफी एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आजकल काफी कॉस्मेटिक डेंटल इसका भी एक वो भी आ गया मैडम और डॉक्टर नेहा, और ये भी देखते हैं कि काफी डेंटिस्ट आजकल मेकओवर कुछ स्टूडियो डेंटल स्टूडियोस काफी खुले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे व्यूअर्स को। जी, हम लोग डेंटल ज्वेलरी करते हैं, जैसे डेंटल डायमंड्स होते हैं केनाइन लेटर, तो वो केनाइन जैसे स्पेशली लोग अपने मैरिज पर्पस में या फिर ऐसे ही लोग अपना थोड़ा सा स्माइल डिजाइनिंग के लिए डेंटल ज्वेलरी के लिए बहुत जाते हैं, तो वी डू दैट। प्लस हम लैमिनेट्स और वेनियरिंग करते हैं जिसमें स्माइल डिजाइनिंग होती है, पीपल वांट अ सेलिब्रिटी लुक्स, तो वी डू अ स्माइल डिजाइनिंग इन फॉर्म ऑफ अ लैमिनेट्स एंड वेनियर्स। ओके ओके, वी डू दैट। ओके ओके, तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर नेहा, और नेशनल इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए हमारे साथ शुक्रिया। थैंक यू, खबरें जारी रहेंगी नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पे। थैंक यू।